जो सक्सेस खुद नहीं कर पाए हैं, अगर वो आपके सपना को तोड़ने की या आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी ये सलाह होगी कि उस पर आप कभी ना अमल करें। और आपके अंदर अपना अगर कॉन्फिडेंस है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो खुद पर कॉन्फिडेंस पहले बढ़ाइए, फिर बाकी बातें आपको बाद मदद करेंगी या आपको भटकाएंगी। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। भोजपुरी फिल्म्स आप सब जगह देखी जा रही हैं, क्यों? क्योंकि उसको अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब फिल्मों का दौर बदला है क्योंकि सैटेलाइट चैनल आ गया है, और अब कैसा सिनेमा बन रहा है, कैसा तैयार हो रहा है, कैसा आपको दिखने वाला है, वो बताने के लिए मेरे साथ हैं डायरेक्टर राकेश सिन्हा जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। राकेश सिन्हा जी, ये जो फिल्म है, पहले तो इसके बारे में बताइए शॉर्ट में, क्या है ये फिल्म? इसके पहले कि हम लोग फिल्म के बारे में चर्चा करें, आपके सब्सक्राइबर को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और ये फिल्म अभी जो जिस सेट पर आप आए हुए हैं, उस फिल्म का टाइटल है जुग जुग जिए हो ललनुआ। यूपी बिहार में आज भी जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है, और ये सोहर ही है जुग जुग जिए हो ललनुआ। तो ये कह सकता हूँ कि ये फिल्म एक तरह से हमारी भोजपुरी भाषा, हमारी सभ्यता और संस्कृति की जो मूल, जहाँ से बच्चा जन्म लेता है, जहाँ से शुरुआत होती है, तो हमने सोचा है कि एक पारिवारिक फिल्म बनाया जाए जिसमें कि हमारे भोजपुर के संस्कारों को अच्छे से दिखाया जा सके। तो हमारी ये कोशिश है कि अच्छी से अच्छी पारिवारिक फिल्म बनाई जाए। ओके, अब जब से सैटेलाइट भी आ गया है तो भोजपुरी सिनेमा के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, क्रिएटिव्स के लिए और आर्टिस्ट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है? ऑफकोर्स, जब कभी भी नए प्लेटफॉर्म्स किसी भी टेक्नीशियंस के लिए आते हैं या किसी भी आर्टिस्ट के लिए आते हैं, तो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। और डिजिटल मतलब घर घर तक पहुँचने का एक माध्यम है, और जब घर घर तक पहुंचने की बात होती है तो घरेलू मुद्दों पे बात होती है। और ये अच्छी बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक नए ढंग से सामने आई है और लोगों को अच्छी और स्वस्थ मनोरंजक फिल्म बनाने का मौका दे रही है। तो सैटेलाइट चैनल नहीं, अब वेब सीरीज भी बनने लगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। राकेश जी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत, मैं जब 10 साल का रहा हूँगा तब से मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता था। ओके, और मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं साइंस में भी अच्छा था, तो मेरे पिताजी ने सोचा कि इसको इंजीनियर बनाया जाए, और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चेन्नई गया। और चेन्नई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं तमिल इंडस्ट्री में अपने आप को झोंका, और वहीं से मैंने एज ए टेक्नीशियन, एज ए डायरेक्टर अपने आप को ग्रो किया। और मेरा पहला प्रोजेक्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था सिंगापुर से, सिंगापुर TV12 के लिए मैंने डायरेक्ट किया। उसके बाद आपको जानकर खुशी होगी कि मलेशिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इन सारे देशों में काफ़ी काम किया है। यहाँ तक कि श्रीलंका का और मलेशिया का पहला मेगा शो मैंने डायरेक्ट किया है। तो इस ढंग से शुरुआत साउथ से हुई, विदेशों में हुई। उसके बाद जब प्रोड्यूसर बनने का मौका मिला तो मैं महुआ चैनल के लिए मैंने बहुत सारे सीरियल्स प्रोड्यूस किए, लिखे और डायरेक्ट किए। और फाइनली कई सालों के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स कहते रहते थे कि आपको भोजपुरी फिल्में बनानी चाहिए, तो ये एक मौका है जुग जुग जिए हो ललनुआ के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्म लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तो ये जो इंजीनियर से डायरेक्टर का ये ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांजिशन हुआ, ये कैसे हो गया एकदम से? देखिए, मेरे अंदर जो एक कला के प्रति रुझान थी वो बचपन से थी, लिखता था और नाटक वगैरह करता रहता था। लेकिन कभी कभी जो है आप पारिवारिक जिम्मेदारी और पिता के, माता पिता और पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार भी आपको चलना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। और पढ़ाई करने के बाद मैंने एक दिन भी नौकरी नहीं की, पढ़ाई की, कंप्लीट किया और फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, क्योंकि वहाँ पर अब मैं मैच्योर्ड हो चुका था। मैं अपने पापा को ये समझाने के काबिल हो चुका था कि नहीं, मुझे वो करने दिया जाए जो मैं करना चाहता हूँ, और आज वो खुश है मेरे इस डिसीजन से। तो ये एक कला की चीज़ मेरे अंदर दबी हुई थी जिसको निखरने का मौका बाद में मिला। ओके, जब ये आपकी भोजपुरी में पहली फिल्म है? जी हाँ, पहली फिल्म। तो जब पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर आते हैं तो बहुत सारे अंदर वो होते हैं, थॉट्स होते हैं कि कैसी चलेगी, दर्शक क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मैं कैसा सब्जेक्ट चुनूँ, तो यही सब्जेक्ट चुनने की वजह क्या थी? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मेरी भले ही भोजपुरी पहली फिल्म हो, लेकिन मैं किसी डालिमा में नहीं था। ओके, मैं जानता था कि आज की भोजपुरी ऑडियंस को क्या चाहिए, क्योंकि मैं भोजपुरी सीरियल्स लगातार बना रहा था, भोजपुरी के सारे कलाकार मेरे जान पहचान में थे, और मैं भोजपुरी से ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बाहर से आके टपक पड़ा हूँ। हाँ। भोजपुरी से मैं काफ़ी जुड़ा रहा और भोजपुरी ऑडियंस के सेंस को मैं समझता हूँ। तो जब कभी भी मुझे सब्जेक्ट का चुनाव करने का मौका मिलता था तो मैं कहता था, जब तक साफ सुथरी फिल्म नहीं बनेगी, जब तक अच्छी कहानी मेरे सामने नहीं आएगी, मैं नहीं बनाऊंगा। और फाइनली हमारे स्क्रिप्ट राइटर राकेश त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मुझे सुनाई और हम लोग आगे बढ़ गए। तो
इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्टर को अच्छी कहानी से मतलब होता है, अगर उसका भी थॉट हो सकता है दूसरे राइटर का भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, जब मैं तमिल में डायरेक्ट करता था तो भी वही ख्याल रखता था। मैंने साउथ की चारों भाषाओं में डायरेक्ट की है तो वहाँ भी मैं इस बात का ख्याल रखता था मेरी कहानी दूसरे कहानी से अलग कैसे है। ओके। और जब तक आप अपनी अलग पहचान नहीं बनाते हैं तब तक आप भीड़ में गुम हो जाते हैं। तो मैंने ये कोशिश की थी कि अपनी अलग पहचान बनाऊं। टेलीविजन इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया है, मोर देन 5000 एपिसोड्स में डायरेक्ट कर चुका हूँ। ग्रेट। तो जब फिल्म की बात हुई तो मैं थोड़ा सिलेक्शन के मामले में और चूज़ी हो गया। ओके। जितने भी नए कलाकार हैं, वो राइटर हैं या डायरेक्टर हैं या एक्टर हैं, जब वो आते हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और कई बार उसको हल करने के लिए वो सो कॉल्ड सीनियर स्ट्रगलर मिल जाते हैं जो और भटका देते हैं कई बार। तो क्या आपको लगता है बाकी नए लोगों के लिए यहाँ पर गुंजाइश है, जगह है, और अगर है तो क्या करें? जी, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि प्रेरणा हमेशा सफल आदमी से लेनी चाहिए। सफलता भले ही वो दूसरे क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सफल व्यक्ति होते हैं और हमेशा सफल व्यक्ति का ही अनुसरण करना चाहिए। जो सक्सेस खुद नहीं कर पाए हैं, अगर वो आपके सपना को तोड़ने की या आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी ये सलाह होगी कि उस पर आप कभी ना अमल करें। और आपके अंदर अपना अगर कॉन्फिडेंस है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो खुद पर कॉन्फिडेंस पहले बढ़ाइए, फिर बाकी बातें आपको बाद मदद करेंगी या आपको भटकाएंगी। थैंक यू वेरी मच। फिर से अंत में मैं आपके सारे सब्सक्राइबर को अपनी तरफ से नमस्कार कहूँगा, और जो सब्सक्राइबर के बाहर भी आपके चैनल को देखते हैं उनको भी कहूँगा उनको सब्सक्राइब करते रहें, इनके चीज़ों को लाइक करते रहें। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे राकेश सिन्हा जी, एक डायरेक्टर, एक कमाल के टेक्नीशियन, जिन्होंने बताया कि इंजीनियर बनना पड़ रहा था लेकिन जब उनका इरादा पक्का था तो पिताजी को कन्विंस कर ही लिया, और आज वो भी खुश हैं, उनके पिता भी खुश हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने दिल के प्रोफेशन को अपना रहे हैं, उसी से लाइवलीहुड चला रहे हैं, वही उनका मेन प्रोफेशन बन गया है। इसमें एक बात बहुत खास कही उन्होंने कि आप उनसे राय लीजिए जो खुद सफल हैं, जो खुद कुछ नहीं कर रहे उनकी राय महत्वहीन है, वो आपको भटकाएगी ज़रूर। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। All the very best. I will join Filmy.